हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको स्टील स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर सेकेंड रिवेटेड कनेक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे रिवेटेड जॉइंट क्या होता है या रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक स्टील प्लेटों को जॉइंट करने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के जॉइंट को रिवेटेड कनेक्शन कहते हैं। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाए इस प्रकार के ज्वाइंट को रिवेटेड कनेक्शन या रिवेटेड ज्वाइंट कहते हैं। अब एक शब्द यहां पर आया रिवेट, तो ये रिवेट क्या होता है? रिवेट एक प्रकार का गोल कील होता है, कील जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है और हो सकता है दूसरा वाला सिरा उसका कुछ पतला हो। इस जो मोटे भाग को हेड बोलते हैं और जो पतला भाग होता है उसे टेल बोलते हैं, और टेल और हेड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे सैंक या बॉडी कहते हैं। यह एक प्रकार का गोल कील होता है, यह एक प्रकार का गोल कील होता है इस प्रकार से, जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है। ये वाला देखिए, सिरा जो है मोटा बनाया जाता है, इसे हेड बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो कि कुछ पतला हो सकता है इसे टेल बोलते हैं, और इस टेल और हेड के बीच का जो पोर्शन होता है इसे सैंक बोलते हैं, सैंक या बॉडी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिवेट एक प्रकार का गोल कील होता है। यह हमेशा राउंड में होता है, हमेशा गोलाकार होता है। इसका क्रॉस सेक्शन आप जब भी देखेंगे तो हमेशा क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो यह एक प्रकार का स्टील का बना हुआ गोल कील होता है जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है और दूसरा सिरा हो सकता है पतला हो और ना भी हो। उसके बाद ये बीच का जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? सैंक या बॉडी, इसे रिवेट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करना होता है तो पहले स्टील के प्लेटों को होल कर लेते हैं। होल करने के बाद इस रिवेट को उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद अब देखिए, एक सिरा इसका मोटा है तो इस वजह से वो एक तरफ तो रुक जाएगा और दूसरी तरफ क्या है, ये पतला भी हो सकता है और हो सकता है सैंक के बराबर भी हो। तो दूसरी तरफ हथौड़ी से पीट करके उसे मोटा बना दिया जाता है जिससे वो निकले ना। यहाँ पर जो सैंक है, सैंक का जो डाया होता है वो कहलाता है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। जो आपको मार्केट में रिवेट मिलेगा वो इसी के डाया से डिनोट किया जाता है। ये जो सैंग का डाया होता है इसी के डाया से ही आपको मार्केट में रिवेट मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिवेट। अब हम बात करते हैं रिवेट कनेक्शन की, रिवेट सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट की। तो रिवेट को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। रिवेट को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। रिवेटों का वर्गीकरण, ठीक है? पहला इसका है लगाए जाने वाले विधि के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, विधि के आधार पे। विधि के आधार पे, विधि के आधार पर यानी मेथड के आधार पे रिवेट दो प्रकार की होती है।
एक होता है हॉट ड्रिवेन और एक होता है कोल्ड ड्रिवेन, यानी कि रिवेट को ठंडा करके भी लगाया जाता है और गर्म करके भी लगाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉट रिवेट और दूसरा होता है कोल्ड रिवेट। ठीक है, हॉट ड्रिवेन रिवेट कह सकते हैं, ड्रिवेन रिवेट, कोल्ड ड्रिवेन रिवेट। हॉट ड्रिवेन रिवेट का मतलब है कि गर्म करके रिवेट को लगाते हैं, गर्म कर लगाए जाने वाले रिवेट, और ये है ठंडा कर लगाए जाने वाले रिवेट। ठीक है, अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो होता है लगाने के स्थान और शक्ति के आधार पर या उसके पावर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, शक्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर रिवेट तीन प्रकार की होती है, एक होता है हैंड ड्रिवन रिवेट, एक होता है पावर फील्ड रिवेट, एक होता है या पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट एंड थर्ड होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। ये तीन प्रकार की रिवेट होती है। ठीक है, पहला क्या मैंने आपसे बताया, हैंड ड्रिवन रिवेट, हस्तचलित रिवेट इसे बोलते हैं, हस्तचलित रिवेट। दूसरा होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, शक्तिचलित या शक्तिचालित स्थल रिवेट, एंड थर्ड नंबर पावर ड्रिवन फील्ड के स्थान पे शॉप लिख देते हैं, शॉप रिवेट, शक्तिचलित शॉप रिवेट। आजकल इन तीनों मेथड का यूज ज़्यादा किया जाता है। हैंड ड्रिवन रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो मिनिमम होता है, उसके बाद पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ मीडियम होता है, और पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ इन तीनों में सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अच्छा इसी में मेथड को माना जाता है। नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, इसके हेड के आधार पे, हेड के आधार पर, हेड के आधार पर रिवेट कई प्रकार के होते हैं। इसका जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ना कि व्हाट इज रिवेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एक साथ आता है, रिवेट का डेफिनेशन आप लिखेंगे और रिवेट का क्लासिफिकेशन। तो रिवेट का क्लासिफिकेशन तीनों आप लिखेंगे, एक है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यानी उसके विधि के आधार पे कि कितने विधि से हम रिवेट को लगा सकते हैं, तो रिवेट को ठंडा करके भी लगाते हैं और गर्म करके भी लगाते हैं। दूसरा है आपको ऑन द बेसिस ऑफ पावर, उसके शक्ति के आधार पे, उसकी स्ट्रेंथ के आधार पे। तो स्ट्रेंथ और शक्ति के आधार पे देखा जाए तो रिवेट तीन प्रकार की होती है, एक होता है हैंड ड्रिवन रिवेट,
दूसरा होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट एंड तीसरा होता है पावर ड्रिवन शॉक रिवेट। इन तीनों में स्ट्रेंथ की भी बात मैंने आपको बताया कि सबसे कम स्ट्रेंथ होता है हैंड ड्रिवन रिवेट का, उसके बाद मीडियम में होता है पावर ड्रिवन फील्ड का और मैक्सिमम होता है पावर ड्रिवन शॉक रिवेट का। अब मैं बात करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ हेड, इसके हेड के आधार पर देखा जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैन हेड हो गया, पैन हेड हो गया, स्नैप हेड हो गया, पैन हेड विथ टेपर्ड रिवेट हो गया, राउंडेड काउंटर सैंक हेड हो गया, फ्लैट काउंटर सैंक हेड हो गया एंड फ्लैट हेड हो गया। इतने प्रकार की ये रिवेट होता है, तो इसका डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे, साथ में आप भी बनाते चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हेड इसके डायग्राम को भी बना लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हेड, हेड के आधार पे कौन कौन सा मैंने आपको बताया, नंबर फर्स्ट स्नैप हेड, नंबर सेकंड पैन हेड, नंबर थर्ड पैन हेड विथ टेम्पर्ड, पैन हेड विथ टेपर्ड, नंबर फोर काउंटर सैंक हेड रिवेट, काउंटर सैंक हेड रिवेट या राउंडेड काउंटर सैंक हेड रिवेट कहते हैं, राउंडेड काउंटर सैंक हेड रिवेट, फोर्थ अब ये काउंटर सैंक हेड होता है उसमें राउंडेड शब्द को हटा दिया जाता है और फ्लैट शब्द को यूज किया जाता है, फ्लैट काउंटर सैंक हेड रिवेट एंड लास्ट फ्लैट हेड रिवेट। ये छह प्रकार की होती है, मेन जो होता है वो छह प्रकार का ये होता है। अब इनके डायग्राम को समझते हैं। अगर मैं बात करूं स्नैप हेड की, स्नैप हेड तो स्नैप हेड कैसा होता है देखिए, इसके केवल हेड में चेंजिंग रहेगा बस, इसका हेड कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये डाया हो गया आपका नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट, इसे सैंक कहते हैं, ये हेड कहलाता है, यह है आपका स्नैप हेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, इसकी जो हाइट होती है 0.7D होता है, अगर मान लो अच्छा ये कैपिटल में डी है तो 0.7D होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, और ये जो पूरा डाया होता है ये होता है 1.7D। थोड़ा सा डायमेंशन को भी आप याद रखेंगे, फिगर को तो माइंड में रखेंगे ही, अगर आपको ये भी याद हो जाए, सॉरी 1.6D होता है, 1.6D। बाकी इसका डायग्राम आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। ये आपका स्नैप हेड फर्स्ट नंबर है, स्नैप हेड फर्स्ट नंबर। दूसरा है आपका पेन हेड, पेन हेड, पेन हेड में हम कैसे बनाते हैं इसे, ये सैंक हो गया, ठीक है, ये सैंक हो गया आपका, नीचे डायम कुछ इस प्रकार ऐसे दिखा सकते हैं, गोल कील होता है,
ये ऐसे आता है और इसी के सामने ऐसे कर लीजिए, ये बन गया। यह सेकंड नंबर आपका, इसे बोलते हैं पैन हेड। और इसका भी जो साइज होता है वो सेम होता है, हाइट होता है 0.7D, ये हाइट होता है 0.7D, और ये लेंथ होता है 1.6D। ये ध्यान देना, ये डॉटेड लाइन ऐसे से मिला सकते हैं कि ये इसके लेंथ से ही होके जाता है, ठीक है। ये आपका स्नैप हेड। अब हम बात करते हैं पैन हेड विथ टेपर्ड। यही पैन हेड है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा टेपर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसे टेपर्ड कर दिया जाएगा। किसे कैसे, देखिए ये हो गया आपका। उसके बाद बिल्कुल जैसे यहां पर बना हुआ, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी बना रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा यहां पर भी इस प्रकार से। अंतर क्या होता है कि ये जो मिला हुआ होता है ये टेपर में कुछ इस प्रकार होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मिला हुआ होता है। तो अब हम इसको कुछ इसको ऐसे से डॉटेड में दिखा देंगे, यह हो गया आपका, ठीक है। ये अब इसके भी साइज की बात किया जाए तो इसकी भी साइज उतना ही होता है, ये होता है 1.6D और ये होता है 0.7D, ठीक है। तो ये हो गया पैन हेड विथ टेपर्ड। अब हम बात करेंगे राउंडेड काउंटर सैंक हेड की, राउंडेड काउंटर सैंक हेड की। तो ये कैसे बनता है, ये आपका हो गया सैंक, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से जाता है ये, और इसको ऐसे राउंड में बना दिया जाता है। ये दोनों 60 एंगल पे होते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर था और ये आपका फोर्थ नंबर है। ये है आपका राउंडेड काउंटर सैंक हेड। अब इसके साइज की बात करेंगे तो ये आपका होता है 0.5D, 0.5D, और इसकी जो लेंथ की बात होती है ये होता है 1.5D, ठीक है। तो ये चार प्रकार का हो गया। नंबर फिफ्थ में देखिए फ्लैट काउंटर सैंक हेड है, मतलब यही काउंटर सैंक वाला है, बस फ्लैट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो राउंड है ना इस राउंड को हटा देंगे, इस राउंड को हटा देंगे, बाकी लेंथ सब कुछ बिल्कुल सब कुछ सेम है। कैसे, अगर हम इस चीज को हटा दें यहाँ पर तो ये नंबर फिफ्थ बन जाएगा, क्योंकि फ्लैट है ये, राउंड में नहीं है। अब लास्ट आपका बचा फ्लैट हेड रिवेट, ये पूरा फ्लैट में रहेगा इस प्रकार से। ये आपका रिवेट हो गया, सॉरी सैंक हो गया, इस प्रकार से रहता है ये। ये लेंथ पूरा 2D होता है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से मिला हुआ रहता है, ठीक है। और इसका हाइट होता है 2.25D, 2.25D, ये जो हाइट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन आप रिवर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में, और अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट की बात करेंगे। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।